हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पहला पॉइंट आता है आपका डिजिट्स एंड नंबर्स। डिजिट्स एंड नंबर्स क्या है? डिजिट्स होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी डिजिट्स हैं। ठीक है, और नंबर्स हो सकती हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -99, 100, 101, 999, -, तक। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि देखो, यहाँ पे अगर हम डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स को हम नंबर्स कह सकते हैं, लेकिन सभी नंबर्स को हम डिजिट्स नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? ठीक, जैसे मान लेते हैं, सपोज आपके पास कोई नंबर है ए बी सी डी और ए। ठीक है, तो ये आपका होता है प्लेस वंस, ये आपका होता है टेंस, ये आपका होता है हंड्रेड्स, और ये आपका होता है थाउजेंड्स, और ये आपका होता है टेन थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है यहाँ पे? प्लेस वैल्यू है। अब जैसे आपके पास एक एग्जांपल है एन 83157, 83157 में 5 का फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, 7 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जैसे पहले 7 की बात करते हैं, 7 में फेस वैल्यू क्या है? ठीक है, फेस वैल्यू तो वही डिजिट होता है। ठीक है, जैसे फेस वैल्यू यानी कि 7 हो गई, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू 7 × 1 = 7, क्योंकि ये वंस था पहला डिजिट। 5 की बात करते हैं, 5 में फेस वैल्यू क्या होगी? 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही होगी। ठीक है, एंड प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 5 × 10। ठीक है, क्योंकि ये टेंस है, सेकंड पॉइंट आपका टेंस, तो 5 × 10 यानी कि 50। जैसे 1 की बात करते हैं, 1 में फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू तो 1 ही होगी। ठीक है, एंड प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है आपका वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, तो 1 × 100 यानी कि आपका आ गया 100। ठीक, इसी तरह से अगर हम 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 3 की फेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, एंड प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री इंटू, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो 3 × आपका आ जाएगा 1000 यानी कि 3000। ठीक, इसी तरह से हम 8 का भी निकाल लेंगे। क्लियर, तो ये आपका हो गया फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हटा दें इसको। नाउ नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3, ∞। इसके बाद आपका आता है होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर के सेट में 0 को और इंक्लूड कर दें, यदि 0 और इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर का सेट हो जाता है, 0, 1, 2, 3, ∞। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अगर हम काउंटिंग नंबर्स
कहना चाहें तो कह सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अब आते हैं इंटीजर्स में। वैसे इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। सेट थ्योरी के लेक्चर में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं इसको। चलिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? इसे हम आई से या जेड से शो करते हैं, और ये आपका होता है माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डैश एस प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इंटीजर के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर को हम आई प्लस से या जेड प्लस से दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू होती है वन टू थ्री डैश डैश प्लस इन्फिनाइट। देखिए, गौर से देखिए तो ये सेट है जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर का, ये बराबर नेचुरल नंबर के, तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? इसे हम आई माइनस या जेड माइनस से शो करते हैं। ये आपका आ जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, ठीक। दो टाइप और हो सकते हैं इंटीजर्स के, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग लिखेंगे, देखिए इंटीजर के सेट पे चलते हैं। इंटीजर के सेट में अगर हम सभी पॉजिटिव इंटीजर को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब वन टू थ्री डैश डैश इनफाइनाइट अगर ये ड्रॉप कर दें, तो जो बचेगा यानी कि जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा नॉन पॉजिटिव। जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, क्लियर। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को हटा दें, मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाना है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो बच जाएगा आपका जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डैश डैश माइनस इनफिनाइट। सिमिलरली नॉन निगेटिव इंटीजर का अगर हमें सेट बनाना है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये आपका आ जाएगा इंटीजर के सेट में अगर हम निगेटिव इंटीजर्स को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डैश डैश माइनस इनफाइन, इनको अगर हटा दें तो जो बचेगा यानी कि जीरो वन टू थ्री डैश 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 प्लस इनफाइनाइट, ठीक। तो ये सेट आपका जो बचेगा वो होगा आपका नॉन निगेटिव इंटीजर, और गौर से देखिए ये बराबर है आपके होल नंबर के, तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं होल नंबर्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेशनल नंबर क्या होती है? रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, और ये इक्वल टू होता है सेट में पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसी संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, जैसे टू बाई थ्री, इलेवन अपॉन थर्टीन, फोर्टीन अपॉन नाइनटीन, तीन बटे चार, ठीक है। इस तरह से जो पी अपॉन क्यू के रूप में होंगी वो सभी रेशनल नंबर होंगी। कुछ डेसिमल में भी लिख सकते हैं, जैसे 5.2, 9.8, 3.57, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर्स भी आपकी रेशनल नंबर होंगी, ठीक है। कुछ रिकरिंग डेसिमल भी होते हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग डेसिमल कैसे दिखाते हैं? जैसे अगर हम लिखते हैं 5.2222 डैश डैश डैश, ठीक। तो इस प्रकार के जो डेसिमल्स होते हैं, जो डेसिमल नंबर होती है, इन्हें हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, 5.2
बार, क्योंकि दो रिपीट हो रहा है, डिजिट टू रिपीट हो रहा है, तो दो के ऊपर यानी टू के ऊपर एक बार लगा देंगे तो 5.2 बार, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5 पॉइंट ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, जैसे लिख देते हैं 6.34 34 डैश डैश डैश। यहाँ पे देखिए दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 और 4 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6.34 ऊपर बार लगा देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं 6.34 पॉइंट। तो ये आपके रिकरिंग डेसिमल होते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स और ये भी आपकी रेशनल नंबर होते हैं, ये सभी आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्यू बार से दिखाते हैं, और इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द रियल नंबर, द रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, वे रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होंगी उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे, जैसे √2, √3, √5, √7 डैश डैश, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। इसमें कुछ पॉइंट बहुत अच्छे हैं, जैसे इंटीजर्स तो होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। अब देखिए कैसे, इंटीजर्स के सेट में हम लोगों ने पढ़ा माइनस इनफाइनाइट से डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। -3 भी रेशनल नंबर है, -2 भी रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर आपने -3 लिखा तो इसको -3/1 लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो गया आपकी, नीचे 1 हो गया, ठीक। तो इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/1, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ये सभी इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, क्लियर। All recurring decimals are, यहां पे एक पॉइंट और पढ़ सकते हैं, recurring decimals are rational numbers, ये normal decimal number है, इनको बोलते हैं terminating decimal numbers। तो terminating decimals भी रेशनल नंबर होते हैं, ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं कि अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो ये फाइनाइट डिजिट हो गए, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होता है, ठीक। जैसे अगर हम ये लिख दें 5.2314, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गया फाइनाइट, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्लियर। तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया। एक पॉइंट और होता है, जैसे पाई हम लोग पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू अमूमन लिखते हैं 22/7, ठीक, जबकि ये सही नहीं है, पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती है,
पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22.7, पाई इरेशनल नंबर है, और 22.7 रेशनल नंबर है। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22.7, ठीक है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22.7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, पाई होता है आपका इरेशनल नंबर एंड 22.7 रेशनल नंबर होता है। क्लियर, आगे समझ में, ये हो गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है।